भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के मित्तल ग्राउंड में। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कल 26 जनवरी को जो है मुशायरे का यहाँ पर आयोजन होने वाला है और आज सभी पत्रकारों को यहाँ पर जो है कलवा मुमरा के एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान ने जो यहाँ पर बुलाया था, आखिर किस मकसद से जो है यहाँ पर उन्होंने बुलाया था, इस मुशायरे के बारे में उनको क्या जानकारी देनी थी, हम उन्हीं से बात करते हैं जो कल मुशायरा यहाँ पर होने वाला है। तो इसको लेकर आपने आज सभी पत्रकारों को यहाँ पर बुलाया था, तो क्या ऐसा है जो आप जानकारी देना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार सर। ये मित्तल ग्राउंड है जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। यहाँ पे तकरीबन 11 साल से हम मुशायरा करते हुए आ रहे हैं। इस ग्राउंड के अंदर तकरीबन 50 से 60,000 लोग इस ग्राउंड के अंदर रहते हैं अबाव। आज हमने जो आपको बुलाया है इस्लामुद्दीन भाई, ऐसे हर साल आप आते हैं, यानी एक दिन के पहले हम तमाम पत्रकार भाइयों को बुला करके यहाँ पे ये बताते हैं कि ये हमारा मैनेजमेंट है, हमारी ये टीम है, हम लोग ये काम कर रहे हैं, हमारा ये वीवीआईपी है, हमारा ये वीआईपी, हमारा वो जनरल है, हमारा ये गेट है। आपके माध्यम से, क्योंकि मीडिया ही वो शक्ल है, मीडिया ही वो चीज़ है जो मुशायरा हो या मुजाहरा हो या कोई भी प्रोटेस्ट हो या हमारी आवाज़ हो, अगर वो आवाम तक पहुँचाना है, हुकूमत तक पहुँचाना है, तो वो काम इस मीडिया का है। इसके लिए हमने आपको बुलाया था। रही बात, हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, प्रहार टाइम्स के माध्यम से, कि ये जो मुशायरा 25 दिसंबर को, हम बताना चाहेंगे प्रहार टाइम्स के माध्यम से कि जो ये मुशायरा हम करते थे, इस साल ये डिले क्यों हुआ। हम तमाम लोग ये जानते हैं कि आज देश की हालात क्या है। आज हमारे ऊपर एक काला कानून थोप दिया गया, काला कानून थोप के हमें कहा जाता है कागज़ दिखाओ। हम कागज़ नहीं दिखाएंगे, हम एक ही नारा देंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। हमारे नेता मंत्री डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने 25 दिसंबर को जो मुशायरा था वो पोस्टपोन किया था। उन्होंने ये कहा कि देश की जो हालात है, देश के हालात को देखते हुए हम अब मुशायरा नहीं करेंगे बल्कि हम मुजाहरा करेंगे। ये मुजाहरे के शक्ल में ये ग्राउंड सज रहा है। कल इस ग्राउंड के अंदर आवाज़ गूंजेगी, वो आवाज़ नारों से गूंजेगी, वो नारा वही इंकलाब का नारा होगा, आज़ादी का नारा होगा। हम शमीम भाई, जिस तरह से ये मुशायरे का जो एहतजाजी मुशायरा आप लोग बता रहे हैं कि ये जो है एहतजाजी मुशायरा है, जिस खास करके जिस तरह से जो सी डबल है, एनआरसी है, एनपीआर है, इसके ख़िलाफ़ इस मुशायरे को जो है यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन आज जो यहाँ पर उलमाए इकराम ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और कहा कि ये मुशायरे को जो है बाइकआउट किया जा रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से ही सुन रहा हूँ, अभी आपने मुझे बताया तो मैं आपके माध्यम से सुन रहा हूँ कि ऐसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है। शहर के तमाम उलमाए कराम अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतजाजी मुशायरे के साथ खड़े हैं। मौलाना रफीक अजमल साहब खड़े हैं, मुफ्ती साहब खड़े हैं, इकबाल काजी साहब खड़े हैं, मौलाना आजहर साहब खड़े हैं, कई सारे स्टूडेंट अभी कुछ वक्त पहले स्टेज पे खड़े थे। ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हमने किसी को नहीं बुलाया है। कल मुफ्ती वजफा साहब भी आएंगे। ये तमाम उलमाए कराम का ये कहना है, ये मानना है कि अगर ये मुशायरा होता तो ये मुशायरा 25 दिसंबर को हो चुका होता। ये जितेंद्र अवार्ड साहब इस डेट को पोस्टपोन नहीं करते। ये मुजाहरा है जिन्होंने इसकी बायकॉट की है, आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं, उनको भी हम दावत देते हैं, कल इस ग्राउंड में आइए सर, आइए आकर के यहाँ देखिए कि ये मुशायरा है या मुजाहरा है। इस तरीके का अल्फाज यूज़ करके जिसने भी कुछ कहा है, मैं इसकी खंडन करता हूँ। जो बातें की जा रही है वो बातें बेबुनियादी गलत बातें हैं। वो हम बताना चाहेंगे आपके माध्यम से, दिखाइए, ये हमारा बैनर है, हमें चाहिए आज़ादी। 26 जनवरी मुमरा से गूंजेगी कन्हैया कुमार की आवाज़, एहतजाज कुल हिंद मुशायरा। जिन लोगों ने ये विरोध किया है, बात सर कमरे कमरे प्लीज सुन लीजिए सर आप। सर ये 26 जनवरी का बैनर है सर, इसमें सबसे बड़ी तस्वीर अगर है तो कन्हैया कुमार जी की है।
उसके बाद जेएनयू की ये छात्रा हमारी बहन अपेक्षा प्रिया दर्शनी का है, आप दिखाइए आपके माध्यम से। वो हमारे उलमाए कराम जिन्होंने जिनको बात बात जानकारी में नहीं थी उनको प्रहार टाइम्स के माध्यम से मैसेज जाना चाहिए। ये अपेक्षा प्रिया दर्शनी जेएनयू के स्टूडेंट है। साबिका अब्बास ये मेरी बहन, ये स्टूडेंट है जेएनयू की। मेरान हैदर जामिया मिल्लिया का स्टूडेंट है। मसरूर अहमद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। फहद अहमद TISS मुंबई का स्टूडेंट है। और ये है हिंदुस्तान के हर एक के दिल में बसने वाले वो अजीज लीडर जितेंद्र हेवाड़ साहब। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये जो स्टूडेंट्स हैं अगर ये मुशायरा होता तो ये स्टूडेंट नहीं होते बल्कि सिर्फ वो शायर होते। जो ये उलमा इकराम इस मुशायरे को बायकॉट कर रहे हैं, क्या कभी इनसे आपकी बातचीत हुई थी? सर पहली बात तो मैंने फ़ोटो देखा, आपने जो मैं आप मीडिया ने अभी आपने मुझे फ़ोटो दिखाया कि ये कुछ हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं ठीक से पहचान नहीं सका कि वो कौन उलमा इकराम है। जो भी हमारे उलमा इकराम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, मैं उनको कहना चाहता हूँ शमीम खान आपका खादिम बन करके हमेशा काम किया है और हमेशा काम करेगा। कौम और मिल्लत के लिए मरने वाला आपका ये बेटा शमीम खान कभी अपने कौम के साथ में ऐसा काम नहीं करेगा कि जहाँ पे एक तरफ मेरी कौम लड़ रही हो और शमीम खान कोई ऐसा काम करे जो हमारे कौम को बातें समझ में ना आए और उनको पसंद ना आए, ऐसा कोई काम नहीं होगा। आपने जिस तरीके से जो प्यार और मोहब्बत हमेशा दिया है, इंशाअल्लाह ताला कल के इस एहतजाजी मुशायरे के बाद यही लोग जो अभी हमको फ़ोटो दिखा रहे थे, इंशाअल्लाह ताला यही उलमाए कराम परसों कहेंगे आपके माध्यम से कि ऐसे मुजाहरे हिंदुस्तान के हर कोने में होना चाहिए। ऐसे मुजाहरे की शक्ल में नाम दे करके ऐसे एक बड़े प्रोग्राम्स होना चाहिए जो शाहीन बाग की शक्ल दिया जाए। कल जो यहाँ पर मुशायरा होने वाला है उसके जो शायर हैं अखिलेश द्विवेदी जी जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं वो भी अभी यहाँ पर पहुँच गए हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर प्रहार टाइम्स में आपका बहुत 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 शुक्रिया। जिस तरह से ये मुशायरा यहाँ पर होने वाला है, एहतजाजी मुशायरा होने वाला है, और जिस तरह से जो कानून लाया जा रहा है इसको लेकर ये एक बहुत बड़ा मुशायरा यहाँ पर है, क्या कहिए? ये मुशायरा नहीं मुजाहरा है। और आपको बताऊँ कि देश के सबसे बड़े गद्दी पर बैठे हुए दो नेताओं ने सबसे गंदा काम यही किया है। जब तुमको जनता ने चुना है तो जनता के हक में काम करो, अगर जनता तुम्हारे काम से नाराज है तो उस काम को बदलो। तो इस कानून से भाई देश में बहुत ख़राब संदेश जाता है। ये हिंदू मुसलमान के बीच जो भाईचारगी बनी हुई है उसको नाश करने पर तुले हुए हैं दो नेता, और मैं इनकी मुखालफत करता हूं। और इसलिए मैं कहता हूं कि इस कानून को बदलना चाहिए, NRC और CAA पर दोबारा विचार करना चाहिए, दोबारा इस पर ऐसा कानून बनाएं जो कि कौम के अमन चैन में बाधा न करे। कल आपको इस मंच से तो सारी जनता सुनेगी, लगभग सारा देश सुनेगा, लेकिन आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ NRC पर सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? अब सरकार को तो यही कहेंगे कि ये कैसा कानून बना दिए हो, कानून को सुधारो। अपना तो पहले तो कह देते थे कि मैंने 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाए थे, जो हैं पढ़े अपना एक नहीं रख पाते, जो हैं पढ़े लिखे वो सब हैं संतरी बने, अपराधी माफिया हैं जो वो मंत्री बने, और जिसने विवाह करके अपनी पत्नी छोड़ दी वो अपने देश में प्रधानमंत्री बने। क्या बात, ये क्या है, ये कुछ समझ में नहीं आता। इसमें कुछ सुधार लाने की ज़रूरत है, और बाकी बातें मैं कल मंच से कहता हूँ, जो मैंने डायरी में लिखा है उस पर वो मंच से कहता हूँ, अब मंच से सुनिएगा। सर दो कड़ी और कुछ सर शायरी के विषय में, सर ऐसा है सर दो जी, ये तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे तुले हूँ। मैं इन नेताओं दो नेताओं को ही मैं कह रहा हूँ कि तहजीब खाक में क्यों मिलाने पे तुले हो, कैसा है देश कैसा बनाने पे तुले हो, और हिंदू न मुसलमान
रहेंगे देश में तो क्या अपने से ही देश चलाने पे तुले हो? मैं ये क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैं इस मुशायरे में मैं शिरकत करने आया हूँ। मैं शमीम भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये इसको फिर कहता हूँ, ये मुशायरा नहीं है, मुजाहरा है, जिसमें देश के काले कानून के खिलाफ अच्छे लोग खड़े होने वाले हैं। अब जो ये मुशायरा यहाँ पर होने वाला है, एक एहतजाजी जो है इसे मुशायरा कहा जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मैं दरअसल इस मुशायरे के ताल्लुक से पहले भी आपके मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका हूँ कि जो हालात हैं इसमें मुशायरा नहीं होना चाहिए, और इन लोगों ने हमारे मशवरे को कबूल करते हुए इससे पहले जो मुशायरा होता था जिस तारीख को, वो इन्होंने मंसूख किया और उसे कैंसिल करके आगे बढ़ा दिया। और बढ़ाने के बाद अब जब हमारा मशवरा हुआ तो ये हुआ कि हमें इस मुजाहरे को बड़ी तादाद में दिखाने के लिए कोई ना कोई एक उनवान चुनना पड़ेगा, तो उसी उनवान को हम आगे बढ़ाते हुए मुशायरा को मुजाहरे की शक्ल में, और उसमें जो है इनकलाबी शोरा, जैसे कि डॉक्टर राहत इंदौरी जो आएंगे, वो हमेशा इनकलाबी बात कहते हैं कि जो है साहिब मसनद वो कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ऐसे कहने वाले, ऐसे अशार पढ़ने वाले, वो शोरा अगर आपके दरमियान में आएंगे तो आपके अंदर इनकलाब ही पैदा करेंगे। इकबाल काजी साहब, आप जो है उलमा इकराम जो है इस मुशायरे को किस नज़र से देखते हैं, जिस तरह से इस कानून को लेकर जो है शहर पूरे भारत का माहौल जो है अलग चल रहा है, और ऐसे में मुशायरा हो रहा है लेकिन इसी कानून के खिलाफ जो है ये मुशायरे का भी आयोजन किया जा रहा है, तो आप इस मुशायरे को किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये जो मुशायरे के बारे में मुशायरे की कमेटी के जो आयोजक हैं शमीम खान साहब और मौलाना रफ़ीक अजमल साहब, इन्होंने जो बात कही है उसी के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जब बैनर पोस्टर से लेकर और बार 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 एक ही बात कही जा रही है कि नहीं ये एहतजाजी मुशायरा है, तो कौम मिल्लत के बड़े लोगों को अपना दिल बड़ा रखते हुए इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हाँ बेशक ये एहतजाजी मुशायरा है। बहुत खूब। दूसरी बात यह कि बड़ा आदमी अगर कहे कि मैं बड़ा हूँ तो उसके बड़कपन का ये दलील है, ये सबूत है कि वो आके छोटों की गलतियों को ठीक करता है, ना कि दूर बैठ के अलग खेमे में बैठ के इल्ज़ामात तराशी करे। इल्ज़ाम तराशी जो है ये बुरी चीज़ है, जो है एक आवाज़ उठाने के लिए किया जा रहा हो उसमें फिर एक तबका मुखालिफत की बात करे। जब हमने उनके बड़ों को फ़ोन किया और ये पूछा, हमारे मौलाना अजहर साहब ने अभी फ़ोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि हमको इसका तो कोई इल्म ही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि मैं ये कहूँ कि ये उनकी भूल है या नादानी है। मैंने ये शहर में ये बात सुनी है कि भाई ये कितनी कुल जमाते हैं उलमा की, ये आज तक पता नहीं चला। एक वो कोने में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, एक ये कोने में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है, तो आप तमाम मसलक के तमाम मकतबे फिक्र के लोगों को पहले एकजुट करें और फिर जो चाहे सो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दें। इसलिए कि अगर अभी हम अगर इसमें किसी किस्म की सियासत करना चाहें तो अभी हम दूसरे मसलक के लोगों को अगर खड़ा करके हमने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस दे दी तो फिर क्या होगा, आपस में टकराव होगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि वो आवे मैदान में और कुछ कमी बेशी हो तो उसका साथ दें। अस्सलाम वालेकुम। तो जिस तरह से आपने सुना कि जो यहाँ पर कुल हिंद मुशायरा, जो एहतजाजी मुशायरा यहाँ पर होने वाला है कल 26 तारीख को, उसको लेकर जो है यहाँ पर आज शमीम खान ने सभी मीडिया वालों को बुलाया था और बातचीत भी की मीडिया वालों से, साथ ही जिस तरह से आज उलमा इकराम ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मुशायरे का बायकॉट किया था, बायकॉट पर सवाल पूछे जाने पर शमीम खान ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, लेकिन जिन उलमा इकराम ने इस मुशायरे का बायकॉट किया था शमीम खान ने उन सभी उलमा इकराम को इस मुशायरे में आने का जो है दावत दिया है। कैमरामैन रहमान के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।